सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में और मैं हूँ मौलिका शर्मा। कहते हैं सात दीप नौखंड में गुरु से बड़ा ना कोई, करता करे ना ही कर सके गुरु करे सो होए। गुरु ही है जो हमें राह दिखाता है, हमें मार्ग प्रशस्त कराता है, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, हमारे जीवन में उजाला लाता है, हमारे जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान कराता है। और आज अपने इस खास कार्यक्रम के जरिए, कार्यक्रम के माध्यम से हम आपसे, जी हाँ, मुलाकात कराएंगे एक ऐसे व्यक्तित्व से जो समाज में अपना एक विशेष स्थान बना चुके हैं, देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जाने जाते हैं। जी हाँ, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार हम जीवन को सरल बनाकर भी सफलता की ओर अग्रसर हो सकते हैं। हम बात कर रहे हैं परम पूजनीय स्वामी श्री प्रखर जी महाराज की। शुभारंभ करते हैं अपने इस खास कार्यक्रम का, आशीर्वाद लेते हैं गुरुदेव का। गुरुदेव, बहुत बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार। गुरुश्री, सर्वप्रथम आप हमें गुरु की महत्ता से अवगत कराएं। गुरु की महिमा, संसार में टीचर के बिना कोई शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता है। एकाक्षर प्रदातारम जगुरुम नाभिनंदति स्वानुजनी शतम भुक्ता चंडालेश विजायते। एक अक्षर का जिसने ज्ञान कराया उसको गुरु कहते हैं। उस गुरु का यदि कोई सम्मान नहीं करता है, उसका तिरस्कार करता है, धर्मशास्त्रकार लिखता है शान जुनी शतम भुक्ता, 100 बार कुत्ते के जन्म में जूनि में जाकर जन्म लेता है और उसके बाद मनुष्य तो बनता है पर जंगल में भील होकर के। गुरु ऐसे एक जरिया होता है, ऐसे एक आधार होता है जिस प्लेटफॉर्म पर खड़ा होकर के व्यक्ति धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ को प्राप्त करता है, उसकी जानकारी वही करता है जी। लौकिक जगत में हमारे पहले गुरु होता है माँ, और माँ इसलिए सबसे बड़े गुरु माना जाता है। माँ जो कहती है वो सत्य माना जाता है। पिता को किसी ने देखा नहीं आज तक। एक पुत्र संतान पिता को नहीं जानता है, माँ बताती है ये तुम्हारा पिता है। आज तक किसी व्यक्ति ने ये नहीं पूछा आपने क्यों कहा, कैसे कहा, मैं कैसे मान लो, सब प्रामाणिकता डीएनए टेस्ट कराओ, ऐसे आज तक किसी ने नहीं कहा क्यों, माँ का बात सत्य है। ये हिंदुस्तान की परिपाटी रहा। भगवान राम जंगल में जा रहे हैं, समझा रहे हैं भगवान राम सीता जी को, यह हर प्रकार की सुविधा है, आपको यही बैठनी चाहिए। परंतु एक नारी क्या कहती है, नहीं नहीं, जहां सूर्य होता है वही तो प्रकाश होता है। बिल्कुल, बहुत सुंदर। यदि सूर्य नहीं होगा तो प्रकाश कहां से आएगा, इसलिए मेरा सूर्य तो आप ही है। आप ही यदि नहीं होंगे, आपकी परछाई में हूं, तो इसीलिए परछाई शरीर से अलग नहीं हो सकता है। दशरथ जी समझा रहे, कभी ससुराल में रहना, कभी बिहार में जाकर रहना, हर प्रकार के सुविधा, जंगल में बहुत कष्ट है। बोले जा ठाकुर जी रहेंगे वो जंगल में मेरे लिए हजारों अयोध्या से बढ़ करके सुखदायक मैं प्रतीत होगा। जंगल में शयन कर रही है, जंगल में शयन कर रही है, कंदमूल फल खा रही है, पेड़ के नीचे नंगा पायर सर्दी गर्मी सहन करके, जहाँ मकान भी नहीं है निवास कर रही है, धूप वर्षा सहन कर रही है, परंतु अपने पति के साथ में सुख की अनुभव कर रही है। ऐसे हमारी भारत की परंपरा रही है। इसलिए जहां गुरु शब्द का शब्द आता है तो पहले गुरु माँ है, और माँ का सम्मान आध्यात्मिक गुरु से भी 2 लाख गुना ज्यादा हमारे यहाँ दिया गया है। उपाध्याय दशाचार्य आचार्यं दुशतम पितु, इस प्रकार से करके धर्मशास्त्रकार कहता है एक पुरुष से 2 लाख गुना ज्यादा सम्मान माँ का हो, एक स्त्री का माँ का होना चाहिए। जहाँ इस प्रकार की व्यवस्था है उस परिपाटी में
जब पगे हुए पले हुए वो सभ्यता को जानता है, संस्कार को जानता है, वो तदनुरूप आचार व्यवहार के द्वारा समाज में जब जीवित रहता है वो एक आदर्श इंसान बनता है जो माँ का सम्मान करता है। इसलिए पहले गुरु माँ, दूसरे गुरु पिता, तीसरे गुरु शिक्षक। जहां स्कूल के हम जाते हैं ये सब गुरु हैं। चौथे गुरु आध्यात्म गुरु, जहां वो गुरु एक शिष्य को परमात्मा से जोड़ता है। उस गुरु की विशेषता क्यों कहा गया है? क्यों प्राय प्राय लोग भौतिक जगत में हमारे इष्ट पूर्तमिदित्यम सुविदितम रूपत्यत कर्म न, कर्म का दो स्वरूप है, एक इष्ट और एक पूर्त, और वही धर्म का मूल आधार बिंदु है। कर्म ही धर्म है जी। कर्म ही धर्म कैसे है इसको भी समझने की आवश्यकता होगा। धर्म शब्द की परिभाषा का विवेचन जब करते हैं, यह तो अद्भुदय निश्चय सिद्धि यासा धर्म। अद्भुदय लौकिक जगत में अर्थ और काम, मेरे पास धन हो और मेरी आवश्यकता की आपूर्ति हो, इच्छा की आपूर्ति हो, एक काम, ये कहते अद्भुतय संसार में सांसारिक उन्नति। दूसरी निश्रेयस, निश्रेयस सीधे सीधे परमात्मा की प्राप्ति। ये दो ही लौकिक अद्भुतय और परलोक मुक्ति, ये दोनों रास्ता जिसके द्वारा जाना जाता है, समझा जाता है, प्राप्त किया जाता है, उसको धर्म कहते हैं। उस धर्म का उपदेश करने वाला यदि कोई शख्सियत होता है तो आध्यात्मिक गुरु ही होता है। प्राय माता पिता लौकिक जगत के ही सीमित रहते हैं, अपने सोच समझदारी के अनुरूप। मादा लिसा जैसे कोई माता ऐसे यदि किसी संतान को माता प्राप्त हो जाए, उसको कोई गुरु खोजने की आवश्यकता नहीं है। उपदेश कर रही है अपने संतान के लिए, शुद्धो शि बुद्धो शि निरंजनो शि संसार माया परिवर्जितो शि संसार सपनम त्वं तजमूह निद्रा मंदो लिसल्लाप मुवाच पुत्र। लोरी लगा रही है माता, शिक्षा दे, लोरी से शिक्षा दे रही, मैं तुम शुद्ध हो, बुद्ध हो, निरंजन हो, मैं निष्पाप हूं, तुम आत्मा हो, संसार माया है इसका परित्याग करो, परिवर्जित हो सी, संसार सपन है, जैसे नींद आता है तो घर द्वार नहीं दिखता है, सपनों में कोई मैं दूसरे ही जगह में रहता हूं, सपना टूटने का बाद देखता हूं मैं तो वही घर में बैठा हूं, मैं जिस समय सपना देखता हूं उस समय मेरा घर द्वार कोई दूसरा ही होता है, दूसरे देश में रहता हूं, दूसरा कोई मेरे माँ बाप होते, दूसरा मेरी पत्नी होती है, पति होता है, मेरे भाई बंधु सब दूसरा ही दूसरा होते हैं। उस समय जिस समय सपना देख रहा था उस समय सपना भी सत्य माना जाता है। जब सपना टूटती है तो सपना को असत्य मानते हैं और लोग जगत को सत्य मानते हैं। ऐसी स्थिति में इसीलिए कहते संसार सपन, जब दो सपनों में थे तो संसार, जिस संसार में हम पाल पोष रहे थे वो संसार में लिए असत्य था, सत्य था ही नहीं, संसार सपन अज्ञान में तम मोहजनित है, केवल अटैचमेंट का ही खेल है, ये मेरा है, ये पराया है, ये हो, इसी में झगड़ा हो रही है, बिल्कुल ये मेरा है, ये मेरे लिए है। प्राइम मिनिस्टर बहुत बार कहते हैं, केवल लोग यही कहते हैं, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मुझको मुझको मुझको, हर व्यक्ति जी ये परिभाषा को छोड़ करके व्यक्ति बेष्टि में समष्टि में चला जाता है तो सब में परमात्मा जब देखने लगता है तो व्यक्ति का ये दुराचार व्यभिचार और स्वार्थपरता एक खत्म हो जाती है, व्यक्ति राष्ट्र के लिए अतप्रुत राष्ट्र के लिए जोड़ जाता है। इसीलिए संसार सपना तम अज्ञान में
मोहजनित है। इसलिए इस संसार रूपी निद्रा को परित्याग करो और वास्तविक स्वरूप में आओ, अपने स्वरूप में आओ, जग जाओ, जगा रहिए, जागो, तुम शुद्ध हो। जरूरत नहीं पड़ी मदालिसा के, महारानी मदालिसा के पुत्र को कोई दूसरे गुरु की आवश्यकता नहीं पड़ी। ये भ्रम फैलाते लोग, गुरु के पास ही जाना आवश्यक होता है, तब जाना आवश्यक होता है यदि माँ ना हो, उस प्रकार से शिक्षा नहीं दे पा रही। जी बिल्कुल, स्कूल में भी हम जाते हैं, माँ नहीं पढ़ा पाती है, स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, हायर एजुकेशन लेते हैं, तो हुआ आवश्यकता होती। इसीलिए जब अपग्रेड होता है, विद्या अपग्रेड होता है, तो भिन्न भिन्न समय में हम अपने टीचर प्रोफेसर को बदलते रहते हैं। ऐसे हमारे मार्ग से यदि हम उस प्रकार की विद्या प्राप्त होने में असमर्थ हो गए, तब हम किसी आध्यात्म गुरु को खोजेंगे। हमारे पिता से प्राप्त नहीं हो सके तो आध्यात्म गुरु गुरु को खोजेंगे। आध्यात्म गुरु उस समय उस व्यक्ति को लोक और परलोक दोनों दृष्टि को सामने रख करके, लोक में तुमको सुख सुविधा धन संपत्ति, हमारी देखिए धर्म अर्थ काम और मोक्ष, चार पुरुषार्थ के मिलकर के व्यक्ति पूर्णता को प्राप्त करता है। इसीलिए केवल भगवान आध्यात्म मोक्ष से ही काम नहीं चलेगा, अधूरे जीवन हो जाएगा। हमको चाहिए धन भी चाहिए, धन के साथ में धन को भोगने के लिए शारीरिक क्षमता भी चाहिए, स्वस्थ शरीर भी चाहिए। ये सभी जिसके द्वारा प्रशस्त होता है उसको कहते हैं आध्यात्म। धर्म अर्थ काम ये लौकिक जगत का विषय है, और पारलौकिक जो निश्रेष मोक्ष, मोक्ष की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति, बंधन से मुक्त हो जाना। काम क्रोध लोभ मोह, काम क्रोध लोभ मोह ये जो रिपु है, इन रिपु के चंगल से छुटकारा पा जाना, इसका ही नाम तो मोक्ष है। मोक्ष का कोई अभिप्राय ये नहीं है हम कोई कोई अलग स्वरूप में चले जाएंगे। हम हमारे ये जीवन मुक्तो भी कहा गया है, जीवन जीते जी मुक्त रहे। उदाहरण जनकादि, जनकादि रहे, भगवान राम रहे, भगवान कृष्ण रहे, हमारे बड़े बड़े गुरु गुरुजन, राजा महाराज, बड़े बड़े व्यापारी, इस प्रकृष्ट किसान लोग, वो गृहस्थ में अतप्रत जड़े हुए होते हुए भी ये लोग कर्मयोगी हुआ करते थे, जो परिपक्व था, मोक्ष के अधिकारी थे। तो ऐसे स्थिति में गुरु की आवश्यकता है। गुरु ही संसार में दोनों रास्ता अर्थ और काम कैसे मिलेगा, और इस अर्थ और काम किस प्रकार के धन को कमाई करना न्याय का रास्ता पर, और इस धन का खर्चा करने का तरीका आपका क्या होना चाहिए। उसके बाद इस धन के द्वारा अपनी आवश्यकता की आपूर्ति के साथ साथ समाज की आवश्यकता की आपूर्ति, निडी वर्ग इष्ट कर्म पूर्त कर्म, इष्ट कर्म कहते देवाराधन, पूर्त कर्म कहते समाज की आवश्यकता की आपूर्ति। गर्मी के दिन है, एक एक बूंद पानी पानी के लिए बेचारा तरस रहे, उनके लिए वाटर कूलर लगा दिया, तो प्यास की, आम जनता की प्यास की आवश्यकता की आपूर्ति हो गई। धर्म बड़ा आसान भी व्यापार है, ये भी धर्म ही है, इसके द्वारा भी व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति हो। बिल्कुल, धन का प्रयोग आप सदुपयोग में कर रहे हैं। हाँ जी, तो आपकी धन की उपयोगिता किस ढंग से करनी है, कहाँ करनी है, इसका ठीक ठीक विवेचन जिस शख्सियत के द्वारा होता है, गुरु ही होता है। केवल कुछ लोग भौतिकवादी सब कुछ है, खाओ पियो मौज करो, मरने का मत किसने देखा है, जीते जी दिखाई पड़ता, मरने का बात दूर की बात है।
जीते जी हम अपने कर्मों के फल को भोगते दिखने को मिलता है। कौन कहता है ये स्वर्ग नरक भी है क्या नहीं है? हम सपने में किसी मुकान के अंदर में सोते हैं, सपोज मैं दिल्ली में किसी एक मुकान के अंदर में ठहरा हूँ, मेरा मुकान है, बहुत बड़ा मुकान है, उस मुकान के कोने में मैं 6x6 का एक पलंग पर लेटे हुए हूँ, सपना देखा, मैं वहाँ से चल दिया, मैं मुंबई पहुँचा, पैर से चल करके कार पकड़ा, मेट्रो पकड़ा, एयरपोर्ट गए, एयरपोर्ट जाने का बाद वो एयरपोर्ट में हमने काउंटर से टिकट भी लिया अथवा हमने ऑनलाइन टिकट बुकिंग की, तो जिस समय हमने ऑनलाइन टिकट को बुकिंग की उस समय मेरा बुद्धि भी काम कर रहा था, हम आँख से देख भी रहे थे, दिमाग से काम भी ले रहे थे, वहाँ गए जाकर के हमने बोर्डिंग लेने के लिए काउंटर बोर्डिंग काउंटर में पूछा, हमने आईडी उसने आईडी मांगा, आईडी दिया, हमने गए मेरा आईडी है, उसमें मेरा मोती था, जवान भी था, उसके बाद मैं वहाँ से आईडी देने का बाद मैं बोर्डिंग लिया, बोर्डिंग लेने का बाद मैं हवाई जहाज में बैठ करके मैं मुंबई पहुँचा, वह किसी होटल में ठहरा, उसके बाद मैं अपनी भांजे की शादी में गया, वह होटल में जा करके मैंने खाया भी है, तो मुँह के द्वारा खाया स्वाद भी लग रहा था, तो पेट में गया या निकल गया सब कुछ, पेट भी था, हजम भी हो रहा था, स्वाद भी लग रहा था और बड़ी तृप्ति भी हो रही थी, सब कुछ देखा मैंने। जिस समय मैं सपनों देख रहा था उस समय मैं दिल्ली का रहने वाला नहीं था, मैं और कहाँ किस जगह के रहने वाला और किस जगह में पहुंच गया, वही मेरे लिए सत्य था। पर जब समय सपना देख रहा था उस समय लोग कहते हैं मरने के बाद किसने देखा भाई, यही दिखता है। जिस समय आप सपन देख रहे थे उस सपनों के अंदर में एक शरीर की आपको प्राप्ति हुई, जिसमें आंख भी था, मुख भी था, कान भी था, नाक भी था, आंख भी था, जीभ भी था, पैर भी था, हाथ भी था, सूझ भी था, समझदारी भी थी, मन भी था, बुद्धि भी थी, अहंकार भी था, सब कुछ था। उसको जा करके हम उसी शरीर से मुंबई पहुँचे, ठंडी गर्मी एसी को भी देखा, वहाँ हमने खाया पिया, भूख भी बिठा, मस्त भी लिया, कान से सुना भी है म्यूजिक कंसर्ट, सब कुछ हमने आनंद लिया और ले करके उसके बाद मैं जब मेरी नींद खुली तो देखा वही मैं चारपाई में सो रहा हूँ, वही 6 फुट का बेड पर सो रहा हूँ। इसका मतलब जिस समय मैं सपन देख रहा था उस समय दिल्ली मेरे लिए असत्य था, उस समय सपन ही सत्य था, उस समय एक शरीर का निर्माण हुआ, उस शरीर से मैं सुख दुख को झेला। बहुत बार सपनों में ऐसे भी दुर्घटना आती है, मैं किसी से फाइट कर रहा हूँ, मेरे को गोली मार रहा है, मैं मर रहा हूँ, मैं बड़ा चिल्ला रहा हूँ, दुखी रहा हूँ, चिल्ला करके हम जगते हैं, तो हम जिस समय सपनों को देखते हैं उस समय सपन में सुख दुख की अनुभूति भी होती है। जैसे सपनों में मैं कहां सोते हुए भी एक शरीर का निर्माण हुआ, उस शरीर के द्वारा मैंने सुख दुख सब कुछ भोगा, ऐसे ही जब मैं मरूंगा तब भी सपनों जो एक नया देखूंगा उसमें भी मेरा एक शरीर का निर्माण होगा, उस शरीर के द्वारा मैं नरक स्वर्ग ये सारे भोग को भोगूंगा, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है, अस्वीकार नहीं कर सकता है। ऐसे स्थिति में लोग कहते हैं यही सब कुछ है, ये बड़ा अजोक्ति की बात हो सकती है। इसलिए जैसे किसी जगह में होते हुए सपनों में मुझको दूसरा शरीर का निर्माण होता है, ऐसे ही मरने का बाद भी एक शरीर का निर्माण होता है, वो भी सत्य तो है, शाश्वत है, उसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता है। क्यों? आत्मा जिस समय में सोया था उस समय मेरे शरीर में जो आत्मा था, जिस समय में दूसरा सपनों के अंदर में शादी में गया उस समय दूसरा शरीर का निर्माण हुआ, आत्मा मेरा वही था, उसमें बदलाव नहीं आया। ऐसे ही जिस समय जागृत अवस्था में मैं इस समय हूं, इसके अंदर में जो आत्मा है मरने का बाद ये शरीर पंचभूतिक शरीर को त्याग देगा, परंतु आत्मा दूसरा एक शरीर को प्राप्त करेगा। उस शरीर से व्यक्ति अपने किए हुए कर्म, पाप, दुराचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, मर्डर,
झूठ, छल, फरेब, छद्म, जितना भी उसने गलत काम होना चाहिए, किसी को दिल को दुख दे, गाली देकर दुखाना, ये सारे कर्म जो किया है, उस कर्म का जो दुष्परिणाम सामने आना चाहिए, उस दुष्परिणाम के अनुरूप उसका शरीर का निर्माण होगा और उस शरीर के द्वारा वो दुख सुख को भोगेगा, चाहे मनुष्य योनि में आवे, चाहे कुत्ता योनि में जावे, चाहे बिल्ली में जावे, चाहे पक्षी योनि में जावे, चाहे कीट और पतंग बन जावे। ऐसे स्थिति में धर्म ही एक रास्ता है, धर्म ही एक उपाय है, धर्म ही एक प्लेटफॉर्म है, जिस प्लेटफॉर्म पर खड़ा होकर के व्यक्ति अपना को जान पाता है, मैं वास्तविक हूं क्या। जो व्यक्ति धर्ममान होता है वो व्यक्ति अन्याय नहीं कर सकता है, जो व्यक्ति धर्ममान होता है वो व्यक्ति झूठ नहीं बोल सकता है, जो व्यक्ति धर्ममान होता है वो व्यक्ति माँ और बाप का तिरस्कार नहीं कर सकता है, जो व्यक्ति धर्ममान होता है वो दीनदुखी की गरीब का अपमान नहीं कर सकता है, वो जानता है सबके अंदर में वही परमात्मा बैठे हुए जो मेरे अंदर में है। वही व्यक्ति राष्ट्र विरोधी गतिविधि में हरकत में जोड़ता है जिसको धर्म से लेना देना नहीं है। बिल्कुल, हम धर्म के लिए जीते हैं, हम खाने पीने के लिए नहीं जीते हैं, हम माँ बाप की सेवा के लिए जीते हैं, हम राष्ट्र के दीन दुखी गरीब के लिए जीते हैं, इसीलिए हम धन कमाते हैं। किसी व्यक्ति को पूछो क्यों दिन भर सवेरे शाम तक भाई मेहनत करके कमाते हैं, अरे भाई मैं बाल बच्चादार हूँ, मेरे परिवार है, मेरे नौकर चाकर है, मेरे अड़ोस पड़ोस में बहुत सारे गरीब लोग रहते हैं, मैं पैसा इकट्ठा करूँगा तो उनके लिए मैं उसकी शादी में एक साड़ी दे दूँगा। ये बात को कहता है व्यक्ति, ये आज तक किसी व्यक्ति ने ये नहीं कहा जो मेरे लिए मैं जीता हूँ। किसी को पूछी एक कहेगा मैं बाल बच्चादार हूँ ना, मेरे पत्नी है, मेरे पिता है, मेरे अब कोई आज तक नहीं बोलता है मेरे लिए मैं जीता हूँ। जो मेरे लिए जीता है वो व्यक्ति पशु होता है, वही स्वार्थी होता है। ऐसे व्यक्ति से राष्ट्र को बहुत बड़ा नुकसान होता है। ये जो तरीका भाई तुम परोपकार के लिए जीते हो और वही सबसे बड़ा धर्म है, वही सबसे बड़ा यज्ञ है, वो तुम दूसरे के लिए जीते हो, ये बात को कौन ज्ञान कराता है? धर्मशास्त्र कराता है। धर्मशास्त्र के बहुत सारे मौलिक विषय पर चिंतन मेरे द्वारा संभव नहीं हो पाता है, इसीलिए गुरुजन के पास हम जाते हैं। गुरुजन ने बड़े प्रयास करके उन धर्मशास्त्र को टटोल करके उसके जो लब्ब लवाब, उसके जो सार है, उसको निष्कर्ष को निकालने का प्रयास किया और उस निष्कर्ष को उस समाज के सामने रखने का प्रयास किया। जब हम परमात्मा की बातें करते हैं, एक गुरु परमात्मा का उपदेश करता है, गुरु का काम है परमात्मा का उपदेश करना, गुरु का काम है परमात्मा का ज्ञान कराना, गुरु का काम है व्यक्ति को न्याय के रास्ता पर चलाना। जिस परमात्मा की आप बात करते हैं वो परमात्मा संसार में अवतार लेकर के जो चरित्र करता है और कहता है जस शास्त्र विदिमसृज वर्तते काम कारता न सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न परांगतिम। परमात्मा स्वयं कह रहा है गीता में, भगवान कह रहे हैं अर्जुन रूपी जीव को, जस शास्त्र विधि मुसृज, शास्त्र विधि को त्याग दे, उस सृज मैंने त्याग दे करके अपनी मनमानी मनगढ़ंत तौर तरीका के आधार पर जीता है और दूसरों के जीने के लिए कहता है, वो ना सिद्धि मिलती है उसको ना परागति को प्राप्त होता है। आजकल बड़ी समस्या हो गई, कौन गुरु है, कौन सदगुरु है, बिल्कुल किसके पास जाऊं, किसके पास ना जाऊं, बिल्कुल ये बड़ी समस्या, असमंजस में है व्यक्ति। समाज, हर व्यक्ति स्वार्थ से जुड़ा हुआ है, जिसके पास जा रहा है वो भी स्वार्थ से जुड़ा हुआ है और जो जा रहा है वो भी स्वार्थ से जुड़ा हुआ है, तो उसके पास एक ही ओविजन दी होता है मुझको धन मिल जाए, दूसरी ओविजन दी होता है मेरे घर में लड़ाई झगड़ा ना रहे। हम वहां जाने का बाद वहाँ के चाकचिक्कों को देख करके, कुछ वहाँ के परिवेश को देख करके, हम उस परिवेश के कारण हमने समझ लिया ये जगह बोले ठीक है, यह बड़े भीड़ भाड़ होते हैं, यह बड़े लोग इकट्ठा होते हैं,
ऐसे समझ करके उस वही हम अपना आस्था का केंद्र बना लेते हैं जिसके ठोके जाते हैं। इसलिए गुरुत्व का पहचान, गुरु की पहचान, गुरु वही है जो शास्त्रों अनुरूप शिक्षा देगा। और शास्त्र भी समाज के अनुरूप हो, समाज को आघात पहुंचा करके, ठेस पहुंचा करके आप अपनी बात को रखोगे, ये भी धर्म की परिभाषा नहीं है। सत्य बोलना चाहिए पर अप्रिय सत्य भी नहीं बोलना चाहिए। इसलिए धर्म के बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। उस धर्म की जो शिक्षा देने वाला होता है वही गुरु होता है। और ऐसे सदगुरु के शरण में जा करके जब हम अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं तो हमारा लोक और परलोक दोनों ही हमारा सुधार जाता है। कुछ लोग कहते हैं धर्म की आवश्यकता ही क्या है। हम तो कहते धर्म यदि आप नहीं मानोगे तो आप जिंदा भी नहीं रह सकते। बोले क्यों, हम तो बहुत झूठ कपट करते हैं, जिंदा हूँ। बोले क्यों भाई, धर्म का नाम ही सत्य है, सत्य बोलना ये धर्म है और असत्य बोलना ये पाप है। अपने असत्य की अपने धर्म मान लिया तो बहुत अच्छी बात है। असत्य रूपी धर्म का भी पालन नहीं करोगे तब भी आप जिंदा नहीं रहोगे, और सत्य रूपी धर्म का पालन नहीं करोगे तब भी जिंदा नहीं रहोगे। अपने कह दिया मैं सत्य बोलूंगा ही नहीं, ये यदि आप सच बोल रहे हो तो आपका धर्म है। परंतु आप यदि सत्य और असत्य को मिला करके चलना चाहोगे तो आप जिंदा नहीं रह सकते हो। आपको सत्य के बिना जीवित नहीं रह, आप जिंदा भी नहीं रह सकते हो। बोले वो कैसे, आप घर से निकले सवेरे और निकाल करके आप किसी जगह में गए, रात को घर में पहुंचते पहुंचते आपको लेट हो गए, खाने को भी नहीं मिला, भूख खूब लग रहा है, तो सत्य तो आपको यही होगा ना, जाकर घर में पत्नी को माता को बहन को बेटा भूख खूब लग रहा है भोजन लाओ। परंतु आपने नियत कर लिया मैं सत्य बोलना ही नहीं, क्यों सत्य धर्म को पालन नहीं करना है, तो आपको क्या कहना पड़ेगा, झूठ बोलना पड़ेगा। तो घर में जाकर जब माँ पूछेगी, पत्नी पूछेगी, बहन पूछेगी, कर्मचारी पूछेगा, नौकर पूछेगा, तो आपको ये उत्तर देना पड़ेगा, अरे मैं तो बहुत भूखा हूँ, मेरे तो पेट भूख तो लग रही है, मेरे तो गला तक भरा पड़ा है, मैं तो आज बहुत खा कर आया हूँ। कब तक जिंदा रहेगा? और व्यक्ति कहे नहीं नहीं मैं असत्य ही बोलूंगा, तो फिर कब तक जिंदा रहेगा? बिल्कुल। और वो जाकर कहे बोले नहीं पेट भरा है, और जाकर के घर में पूछे पत्नी माँ बहन, तो उस समय पेट तो भरा है परंतु बोलना है असत्य, नहीं जी हमारा पेट तो बहुत भूखा है, जल्दी लाओ भूखे मर रहा हूं जी, तभी वो जिंदा नहीं रह सकता है। इसलिए सत्य का आश्रय लेना ही पड़ेगा। जब सत्य का आश्रय लिए बिना हम जीवित भी नहीं रह सकते हैं, जिंदा भी नहीं रह सकते हो, तो सत्य का ठीक से पालन करने से हमको क्या लाभ हो सकता है, इससे ही अनुमान लगा लेनी चाहिए व्यक्ति को। सत्य के बिना जरा से सत्य, भोजन किया भूख लगा है अथवा नहीं लगा है, इसी में ही हम सत्य और असत्य का प्रयोग करके हम जब जिंदा नहीं रह सकते हैं, तो फिर सत्य के बिना हम जिंदा दूसरा लाइफ मेरे कैसे जिंदा रह सकता है। इसीलिए सत्य ही धर्म है, और वो धर्म ही परमात्मा है। रामो विग्रहवान धर्म, रामो विग्रहवान धर्म। इसीलिए धर्म का पालन केवल ये गुरुड़ों बाद नहीं, आरंभ बाद नहीं, डकुसला नहीं, ढोंग नहीं, पाखंड नहीं, ये जीवन जीने का तौर तरीका है। जब इस तौर तरीका को छोड़ करके हम जिंदा रहने का प्रयास करेंगे तो मेरे लायक दुखमय भार बन करके रह जाएगा। और जैसे व्यक्ति भार बन करके डॉक्टरों के वो क्या नाम मेहमान बन के बैठता है, कोई वेंटिलेटर में ही पड़ा पड़ा जीवन जी रहा है, बिल्कुल है तो जिंदा ही है जी, वेंटिलेटर में पड़ा हुआ है। तो ये जो
सभी प्रकार के विषय है, सभी प्रकार के विषय में पूर्णता चाहिए, वही इंसानियत का मूल धर्म है। पूर्णता धर्म अर्थ काम और मोक्ष से पूर्णता है, उसमें एक भी यदि छूट गई तो अधूरी रह जाती है। बिल्कुल, धर्म के बिना मेरे तकदीर नहीं बदल सकती है, और तकदीर नहीं बदल सकती है तो धन की बहुत आयत मेरे पास नहीं हो सकता है। हमारे उदार खाता नहीं है, मैं गरीब हूं, मैं धनवान बन सकता हूं। धर्मशास्त्रकार सब बातों को कह रहा है, तकदीर बदलो। तकदीर बदलने के तदबीर की जरूरत है, और तदबीर को प्राप्त करने के लिए गुरु की आवश्यकता है, धर्मशास्त्र की आवश्यकता है, नियम निष्ठा की आवश्यकता है, एकादशी व्रत करने की आवश्यकता है, प्रदोष की व्रत करने की आवश्यकता है, तीर्थ भ्रमण की आवश्यकता है, तीर्थों की परिक्रमा की आवश्यकता है, भगवान की पूजा करने की आवश्यकता है, शंकर जी के अभिषेक करने की आवश्यकता है, वैष्णव देवी माता की चढ़ाई करने की आवश्यकता है, नंगा पैर चल करके। जब हम चलते हैं बड़ा दर्द होता है, ये दर्द नहीं मेरे किए हुए दुष्कर्म, इस कष्ट को झेलते हुए, जब कष्ट को झेलते हैं मेरे दुष्कर्म, बीमारी होती है तभी तो कष्ट ही झेलना होता है। हम जान करके जब इस कष्ट को झेल लिया तो हमारी बीमारी तो खत्म हो गई। इसीलिए वैष्णव देवी के दरबार में जो जाता है उसकी बीमारी कट जाती है। परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए धर्मशास्त्र के रास्ता पर चल, रहा पर चल करके शरीर को कष्ट पहुंचाना, जान बूझ करके शरीर को कष्ट पहुंचाना, इसी को कहते हैं तपस्या। इस तपस्या के द्वारा मैं अपने मन की इच्छा को पूर्ण कर सकता हूं, मेरे भाग्य को बदल सकता हूं। इसलिए तभी तो धर्मशास्त्रकार कहते भाई आप गरीब आए, नहीं नहीं आप धनवान बनो। पुराने एक कथा यही तो है, अब मूर्ख है आप विद्वान बनो, अब कमजोर है आप बलवान बनो। बलवान बन गए, श्रीमान बन गए, धनवान बन गए तो दूसरा को भी उठाने का प्रयास करो, दूसरा कमजोर को उठाओ, गरीब को धनवान बनवाओ, केवल उसको भोगने के लिए नहीं। जो पैसा भोगने के लिए कमाता है वही हत्या करता है, जो पैसा आय ऐश के लिए करता है, इकट्ठा करता है, वही मर्डर करता है, वही व्यभिचार करता है, वो मां बहन बहु बेटी का अस्मत इज्जत को लूटने का प्रयास करता है। जो पैसा परोपकार के लिए कमाता है उसका पैसा बड़ा मूल्यवान होता है, वो गौशाला में उसके गौ माता के चारा का पालन, गौ माता के चारा उसी के पैसा से जाता है, पियाऊ उसी के पैसा से पियाऊ लगता है, उसी का पैसा से किसी गरीब लड़कियों की शादी होती है, उसी सज्जन का पैसा से किसी ये बच्चे को पढ़ाई होती है, पेन मिलता है, कॉपी मिलता है, परीक्षा का फीस मिलती है। ये विचारधारा जिसके अंदर में है वही मानव है, वही धर्ममान है। और जो बातें करता है मैं तो कुछ नहीं मानता हूं, हम तो मानव धर्म को ही मानता हूं, ये सब बहुत बात कहते हैं, समझना चाहिए, इस संसार को धोखा दे रहा है, वो कुछ नहीं करता है, कुछ नहीं जानता है। जो मानव धर्म की बात करने वाला व्यक्ति ही स्वार्थी होते हैं, वही व्यभिचार करते हैं, वही डकैती डालते हैं, वही हत्या करते हैं। और जो धर्म धार्मिक मान्यता के आधार पर, शास्त्रीय मान्यता के आधार पर जीवन जीने की इच्छा रखते हैं वो बिना चिल्लाए हुए मानव महामानव होता है। इसीलिए जो अपना को समझता है, धर्मशास्त्र को मान्यता का समझता है, माता पिता का इज्जत करना समझता है, जो धर्मशास्त्र सिखाता है, गुरुजन सिखाता है, वही बलवान होता है। वही जंगल में शेर के सामने खड़ा होकर के भी कहता है तुम कैसे मुझको काट सकते हो, अहिंसा प्रतिष्ठा एवं वैर त्याग, चुप रहो, मैं तुम्हारा ऊपर कोई अन्याय नहीं कर रहे, तुम क्यों हमको काटोगे। इतना कहते चुप कर बैठ जाता है वो शेर भी उसको नहीं काटता है। मानवता, इंसानियत,
यदि हमको जानना है तो हमको धर्मशास्त्र को देखना पड़ेगा, गुरुजन कब से आना पड़ेगा। और जिन बातों को मैं अभी थोड़ा देर से कहते हुए आए, इन एक एक बात को हमको समझना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, देखना पड़ेगा और अमल करना पड़ेगा। जब अमल करेंगे तो मातृदेव भवो, पितृदेव भवो, आचार्य देव भवो, ये हमको ज्ञान होगा। मातृदेव भवो, जिस समय हमने माँ दे, माँ हमारी देवता है, ये मुझको शिक्षा मिलेगी, तो अपनी विवाहिता पत्नी के अतिरिक्त तो जितने भी संसार के अंदर में स्त्री मात्र है, सब मेरी माँ है। हम कंजी का पूजन करते हैं नवरात्र में, यही तो शिक्षा लेने के लिए पूजन करते। संसार के जितने भी स्त्री मात्र है, सब मेरी माँ है। जब ये शिक्षा ये उसके अंदर में जागेगी, तो क्या व्यभिचार की दृष्टि से किसी स्त्री को देख सकता है? तो ये जो शिक्षा कौन देगा? यही तो धर्मशास्त्र देता है, यही तो गुरुजन देते हैं। ये धर्मशास्त्र व्यक्ति को कमजोर नहीं बनाता है, धर्मशास्त्र व्यक्ति को बलवान बनाता है, चरित्रवान ही बलवान होता है। व्यभिचारी व्यक्ति कभी बलवान होता है? उसका कोई दिल होता है, उसका दिमाग होता है, उसका हृदय होता है। जितने भी संसार के अंदर में हमारी पूर्णता है, पूर्णता प्राप्त करने का तरीका है, वो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, वो चारों के आधार बिंदु धर्म ही है, धर्म ही है। यदि हम धर्म को त्याग दे करके हम केवल धन को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, तो धन भी हमको सुख नहीं दे सकता है। चत्वारो धनदायादा धर्मांगने नृपतस्करा तेषां ज्येष्ठं वान्न त्रयो कुप्पन्ति बांधव। धन के मालिक चार हैं, मैं नहीं हूं, कमाने वाला धन का मालिक नहीं होता है। कौन? धर्म, अग्नि, राजा और चोर। ये धर्मशास्त्र के मूलभूत सिद्धांत तो है, धर्म, अग्नि, राजा और चोर। धर्म के रास्ता पर ये जो चार है, चारों भाई भाई का रिश्ता है इनमें, धर्म, आग, राजा, इनकम टैक्स के अफसर और चोर, ये चार इनके भाई भाई का रिश्ता है। धर्म, अग्नि, राजा और चोर, चोर चोरी करके ले जाएगा। तेषां ज्येष्ठ अपमान, उसे बड़े भाई धर्म है, जब धर्म का कोई तिरस्कार करता है तो तीनों कुपित होते हैं, त्रय कुपंती बांधव, आग लग जाता है, छपा पड़ती है, छपा पड़ती, छपा तो भी ना पड़ना, हमने चोरी की, चोरी करना अधर्म है। धर्म के रास्ता पर चलते एक नंबर का काम करते, हमारे घर में छपा काहे को पड़ते हैं? हमारी सुरक्षा के लिए डिपार्टमेंट है, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, सब मेरी सुरक्षा के लिए है, ये मेरे सुरक्षा उपकरण है, ये मेरा सेवक है। लिखता है सर्विस में, कमिश्नर क्यों नहीं हो मेरा? जब कमिश्नर आएगा, जब मैं अन्याय के रास्ता पर चलूंगा, तो फिर हाथ जोड़ कर कुछ खड़ा होना पड़ेगा, वो डांटेगा। और यदि मैंने न्याय के रास्ता पर, ऐ आप मेरे सेवक है, मेरे सेवा करने के लिए आयो, संभालो, ये देखो, ये मेरा लैपटॉप है, ये मेरा कंप्यूटर है, ये मेरे हिसाब है, देखो तो, कोई चोरी कर तो नहीं ले जा रहा है, ये मैं उत्तर दूंगा, क्यों मैं चोरी कर रहा हूं, मैं गलत कर रहा हूं, मैं धर्म का तिरस्कार किया, इसी कारण से मैं नीचा, मुझको नीचा देखना पड़ रहा है, आग लग जाएगा, चोर ले जाएगा। इसलिए धर्म धन को कमाने वाला ही धन का मालिक नहीं होता है, वो तो क्या टेकर हो सकता है? बिल्कुल, ये चार उसके मालिक हैं, इसलिए धर्म के रास्ता पर चलेंगे तीनों खुश रहेंगे और मेरा लाइफ खुशहाल हो सकता है। इसीलिए जीवन जीने का तरीका ही धर्म है। मरने का बाद भगवत प्राप्ति का रास्ता भी धर्म है और स्वर्ग प्राप्ति का रास्ता भी धर्म है। एक शरीर से दूसरा शरीर में जाने का तरीका भी धर्म है। यदि हमने उस तरीका को ठीक ठाक कर लिया,
तो मैं पशु दुनि में नहीं जा करके फिर मनुष्य दुनि में चला जाऊंगा, बिल्कुल एक अच्छा इंसान बनूंगा, इसलिए मुझको न्याय के रास्ता पर चलना चाहिए। ये जो न्याय के रास्ता पर चलना, धर्म के रास्ता पर चलना, इसका उपदेश करने वाले गुरुजन होते हैं, इसलिए गुरुजन का मार्ग निर्देशन पर चल करके व्यक्ति जीवन में खुशहाल जीवन जी सकता है। इसलिए धर्म को भी त्यागना नहीं, परमात्मा को भी त्यागना नहीं, गुरुजन को भी त्यागना नहीं, माता पिता भाई बंधु सबका सम्मान करते जीवन जीना, यही सबसे बड़ी इंसानियत हो सकता है, इसको शिक्षा धर्मशास्त्र देता है, यही मेरा संदेश है। गुरुजी, आज की इस कार्यक्रम के जरिए बहुत ही खूबसूरत बातें आपने हमें और साथ ही साथ हमारे तमाम दर्शकों को बताई हैं। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। बहुत अच्छा है, प्रसन्न रहे आप लोग।